अब बढ़ते हैं आगे। भुलिकेरा नरसंहार मामले में मृतकों के दर्जनों परिजन पंचायत भवन में बने पुलिस कैंप पहुंचे। परिजनों ने अधिकारियों को बताया कि पत्थलगड़ी समर्थक और हत्याकांड के आरोपियों के पक्ष के लोग केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने धमकी देने वालों के नाम भी बताए और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में कई लोग आरोपी हैं और अब तक पुलिस एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद से ही मरने वालों के परिजन भय के माहौल में हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में 14 नामजद और बाकी 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 17 लोगों को जेल भेज दिया है। और आपको बता दें कि 22 जनवरी को पुलिस ने नरसंहार के बाद 2 मामले दर्ज किए थे। और इधर 16 जनवरी की रात से गायब लोडरू बूढ़ और साथ ही रोशन बजरों को खोजने के लिए इश्तेहार भी जारी किए गए हैं।